खबर चंदौली से है। बबरी मार्केट में कोविड-19 वैश्विक कोरोना वायरस से संक्रमित दो व्यक्ति पाए जाने से मार्केट के सब्जी मंडी से चौक व दुर्गा मंदिर जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया है, जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर वापस आ गया तथा वहीं दूसरी तरफ मार्केट की लगभग सभी दुकानें खुली हुई थी और भारतीय स्टेट बैंक भी खुला हुआ था तथा मार्केट में कोरोना वायरस का डर से सभी लोगों ने मास्क पहन करके बाजार कर रहे थे और आसपास के लोगों के अंदर डर बना होने के कारण लोगों का मार्केट में आना जाना बहुत ही कम देखने को मिला, जिससे मार्केट की बिक्री में कमी आई है और जो व्यक्ति किराए का मकान में दुकानें किए थे उनको नुकसान हो रहा है। चंदौली से हमारे संवाददाता दीपक कुमार और औद्योगिक की रिपोर्ट। जी आपका शुभ नाम? चाचा जी, यहाँ पे दुकान कब से कब खुली रहती है? जो कि लॉकडाउन 2 दिन का रहता है, शनिवार रविवार प्रशासन की तरफ से, तो कब से कब तक आपका दुकान यहाँ खुली रहती है? सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। जी, और यहाँ पे आपके जानकारी में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति लगभग इस बबरी बाजार में कितने होंगे सर? 2 लोग, जो एक ठीक होकर आ गए, एक और आने वाले हैं आजकल। चाचा जी, आप सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, आप अपनी बात साझा करें। सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे ही इस समय है, मार्केट में ग्राहक नहीं तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग है जी। और अपने परिवार में भी आदमी काफ़ी दूर दूर रह रहा है जी। दुकान में कस्टमर नहीं है, लेबर ओबर हटा दिया गया है जी। वैसे ही सब। अच्छा, बिक्री इस समय कैसी चल रही है आपकी? एकदम जीरो जी। जी, धन्यवाद चाचा जी।